रीवा में त्योथर की रहने वाली खुशी सिंह ने मध्य प्रदेश में कला विषय में पहला स्थान हासिल किया है। खुशी ने इसका श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। 12वीं में त्योथर की छात्रा खुशी सिंह ने कला संकाय में 486 अंक अर्जित कर प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। खुशी एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है, बावजूद इसके उन्होंने पढ़ाई पर इसका असर नहीं पड़ने दिया। लगातार मेहनत कर खुशी ने यह मुकाम हासिल किया है। खुशी ने बताया कि वे भविष्य में अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहती हैं। खुशी ने त्योथर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। खुशी से हमारे संवाददाता दुर्गेश यादव ने बातचीत की तो खुशी ने बताया कि वे भविष्य में एक शिक्षक के रूप में अपना करियर देखती है। शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी हायर सेकेंडरी के रिजल्ट ने साबित कर दिया है कि केवल लड़के ही नहीं लड़कियां भी प्रदेश में बाजी मार सकती हैं, और उसी को चरितार्थ किया है रीवा जिले के तराई अंचल के त्योथर के एक छोटे से गांव चुनरी की बच्ची खुशी सिंह, जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। जो आप ये मुकाम हासिल किए हैं, तो सबसे पहले किसको श्रेय देना चाहती हैं? मैं अपनी सफलता से अपने माता पिता को और शिक्षक को विद्यालय को देना चाहती हूँ। वैसे तो हमारे पहले से बचपन से पढ़ने का शौक था, इसलिए हमको मतलब बचपन से शौक था कि हम अच्छे से पढ़ें। आपको बता दें कि खुशी के पिता जो हैं वो किसान हैं, और खुशी बेहद निर्धन घर से ताल्लुक़ रखती हैं। खुशी, आपके भी पिता चाह रहे थे, आपके अंदर भी ऐसे लालसा थी कि आपका भी एडमिशन प्राइवेट स्कूल में हो, किसी अच्छे स्कूल में हो? हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, इसलिए हमारे माता पिता ने गवर्नमेंट स्कूल में किया है, लेकिन हमको इस मतलब वो इसमें भी पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका मिला। हमें बहुत समस्याएं आई पढ़ने में, जैसे अभी पैसा हो गया और घर का हो गया, हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए हमको भी कठिनाई आई। लोग कहते हैं कि पढ़ने के लिए 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ने चाहिए, लोगों को 16 घंटे पढ़ने चाहिए, तो क्या ऐसा आपके साथ मतलब आप भी ऐसा करती थी कि 24 घंटे पढ़ाई करती थी या पढ़ाई के साथ साथ कुछ और काम करती थी? नहीं, जो छात्र ये सोचते हैं कि दिन रात पढ़ने से या फिर 12 घंटे पढ़ने से कोई विद्यार्थी टॉप करते, ये गलत है। जो पढ़ रहे हैं बस उसी मन लगा के पढ़े, ये जरूरी है कि दिन भर 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने से कोई टॉप कर सकता है, बस जो 2-4 घंटे पढ़े वही मन लगा के पढ़ो। ये जो रिजल्ट है आपने दिखा दिया है कि लड़कियां कम नहीं है किसी भी प्रकार से। आज भी हम देखते हैं कि अपने क्षेत्र में जागरूकता का अभाव है, और जो माता पिता अपनी बच्चियों को दूर नहीं पढ़ने भेजना चाहते हैं या अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ा पाते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? अपने जो माँ बाप का हर सही माँ बाप चाहते बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन बच्ची को नहीं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? कि उनकी मानसिक सोच है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं, लेकिन हम जहाँ तक हम बोलना चाहेंगे तो वो लड़के और लड़की को समान समझे, उनको लड़कियों बेटियों को भी पढ़ने का मौका दें। खुशी, आगे चल के आप क्या करना चाहेंगी? आगे चल के मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ। हम चाहते हैं कि हम शिक्षक बन के हम अपने जैसे टॉप खुशी सिंह को तैयार करें, और हमारे गाँव के और हमारे जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो भी ऐसे ही पढ़ के, हम सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं अपने जैसे तैयार करें। जो आपकी आशाएं हैं, इच्छाएं हैं सरकार से, तो क्या है, क्या सहयोग, किस प्रकार का सहयोग चाहती है? यही है कि हमारे जो हमारा करियर है वो अच्छे से बनने के लिए पैसे जरूरत है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम सरकार हमारा आर्थिक सहायता करे। ढेर सारी बातचीत करने के लिए खुशी और खुशी की माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ दुर्गेश गुलशन यादव, दखल न्यूज जयपुर। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।